ये देखे वो टैवी चढ़ा हुआ है इधर करके, देखे ये देखे वाउंड गार्ड, ये स्प्रे मिले मुझे ये देखे। अब बहुत अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हो गई। ये देखे हमने वो फट्टे लगवा लिए जो रेड कार्ड को कहा था वो लगवा लिए। तो ये टाइगर और टैवी दोनों चढ़े हुए खेल रहे हैं और इनका फुल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे वो टैवी चढ़ा हुआ है इधर, टाइगर चढ़ा हुआ है। तो इस तरह हमने लगाए, यहाँ से शुरू होते हैं तो इस तरह भी जा सकते हैं लोग और ये ऊपर को भी जा सकते हैं यहाँ से। तो टाइगर तो ऊपर वाले पे भी चला जाता है, कल टैवी भी गया था, टिम्मी भी चढ़ जाता है। तो इसकी जो है लेंथ वो है 12 इंच और इसकी डेप्थ जो है 4 इंचिस की है तकरीबन, वैसे 5 इंच की उन्होंने लिखा हुआ था। तो नीचे जो मेरे पास पड़े हैं ना वो ज़रा ज़्यादा बड़े थे तो इसलिए मुझे लग रहा है। वैसे इन पे भी ये देखे आराम से आ जाते, फिसलते नहीं है, आराम से आ जाते। तो इन दीवारों पे लगा ले तो बिल्लियाँ बहुत खुश होती है, ऐसे खेलती रहती है, कभी वहाँ चढ़ जाते हैं ऐसे खुद ही खुश होते रहते हैं। ये देखे तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक मैं स्प्रे मंगवाया ग्रेवी के लिए। मैं आप लोगों को कह रहा था ना उसकी टेल नहीं सही हो रही तो फिर बहुत ज़्यादा खून निकलने लग गया। क्या क्या हमने करके देखा, ये देखे वाउंड गार्ड, ये स्प्रे मिले मुझे 780 रुपीज़ का। तो इससे कहते हैं ISO सेटिस्फाइड है, इससे ठीक हो जाता है। वैसे तो हम करके देखते हैं इंशाल्लाह तो इससे सही हो जाएगा। तो वैसे इसकी टेल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अब तो खून इतना ज़्यादा निकल रहा था, ये देखें अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये करके ना आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, मैं करने लगा इसकी टेल पे स्प्रे। ये तकरीबन हमने 2-3 बार इसको पुश करना है, इतना स्प्रे करना है, 2-3 पफ करने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी टेल ख़राब हो गई है, तो पता नहीं दिन में 2 के बाद करना पड़ेगा। ये करके देखते कैसा रिजल्ट है, लिखा होता है इंस्टेंट रिलीफ, फौरी रिलीफ मिलेगा पेन से भी ना, तो इससे जलन ना हो काफ़ी। ये पर्पल कलर के है, देखिए इसकी टेल पर्पल कलर की हो गई है और थोड़ी सी अगर पीलिया वगैरह को भी ना दूर रखते हैं और जो फ्लीज वगैरह होती है वो भी नहीं कुछ करती। फिर ये देखिए ये पर्पल से कलर का निकल रहा है तो अच्छी तरह मैंने कहा कर दूँ। ये हो गया, ये देखिए पर्पल कलर का इसकी पूरी टेल हो गई है पर्पल कलर की। तो मैंने यहाँ से इसलिए मैंने ये 4 चटाई भी बिछाई थी क्योंकि अब सर्दी आ गई है तो ये लोग जमीन पर नहीं लेटते तो ये ऊपर ही जगह पर लेटते हैं किसी ना, तो मैंने इसलिए भी छाड़ी थी। टैबी अपने बेड पर लेटते हैं तो बाकी ये लोग जो है ये यहाँ लेट जाते हैं और बाकी स्क्रैच का वहाँ पर लेट जाते हैं। और मैंने ग्रेवी ब्लैक की टीमी को ये वाले रूम में बंद कर दिया है, उनके भी नीचे कैरपेट बिछा के ना रख दिया है क्योंकि वहाँ उन्हें भी सर्दी लगती है, कोई भी ज़मीन पर नहीं लेट रहा, तो जिसकी वजह से हमने इस तरह करना पड़ा। और ये इसका पर्पल सा कलर था, अब ग्रेवी पानी पीने गए तो जैसे ही इंशाल्लाह उसे आराम आने लगता है ना तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, इंशाल्लाह जल्दी आराम आ जाएगा। वैसे इंस्टेंट रिलीफ लिखा तो हुआ है इस पर जी। और ये दिखाता हूँ आप लोगों को कि ग्रेवी को तेल पे हमने क्या लगाया था। पहले ये देखे सिट्रासिन पाउडर मिला के और पॉलीफेक्स मिला के लगाया था तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं इतना पड़ा, थोड़े दिन फर्क पड़ा था फिर इसकी वैसी होने लग गई थी तेल। तो अब हमने ये ट्राई किया, ये मुझे 780 का मिला और 250 डिलीवरी चार्जेस लगा के 930 का ही मुझे मिल गया, जबकि दराज पर और बाकी जगहों के इस पर प्राइस है 1100 से 1200 तक इसकी प्राइस है। तो ये मुझे सही प्राइस पर मिल गया था और अच्छी प्रोडक्ट है, अब देखते कब तक ये असर करता है। और पहले वाली मैंने आपको दिखाई है, आपके भी कैट कैसे जख्म वगैरह हो जाए या फिर कहीं लाई पड़ते हैं हो जाए तो फिर ये लगा सकते हैं आप, ये पर जल्दी रिलीफ दे देते हैं, पेन भी नहीं होती। फिर स्मोकी भी कहता रहता है कि मुझे पिंजरे से निकाल दे, तो स्मोकी को अभी तक इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहाँ सबको देखता रहता है, फिर वो दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा तो जिसकी वजह से स्मोकी फिर स्ट्रेस में आ जाता है तो फिर हमें भी मारने लग जाते हैं, इसलिए हम स्मोकी को अभी तरी बंद किया हुआ है। ज़रा ज़्यादा सर्दी आएगी ना तो स्मोकी के रूम में बंद कर देंगे। और हमने ये कोको को भी निकाल के इधर कर दिया था, वैसे ही पिंजरा बहुत अच्छा है, कोई भी इसमें मसला नहीं है, लेकिन खाना पीना देना इनको थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि पानी भी गिर जाता है इसमें सही तरह ना, इतनी मजबूत सी जाली नहीं लगी, आप देखिए वाली लगी है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि स्केच को अभी दे सकता हूँ तो दे दो किसी को, या फिर उन्होंने जिन्होंने बना के दिखाया था वो परचेज कर लेते हैं सही कीमत पर ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि खाना भी नहीं दे सकते हम और इस तरह ना पानी लटका सकते हैं। देखिए इसका रंग भी उतरने लग गया, वाइट वाइट हो रहा है अंदर से, और इसकी ट्यूबलाइट सही है वैसे थोड़ा सा इस तरह हो गया है, मैंने तो बड़े शौक से ये वाला लिया था फिर भी अब इस तरह हो गया है। तो वैसे तो प्रोडक्ट अच्छा है बनाते हैं, इनका यूट्यूब पे चैनल भी है रोबिन केज हाउस के नाम से ना, तो आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि भी इसे सेल कर देते हैं, और फाउंटेन इनका लगाया था तो टैबी पूरा फाउंटेन उतार दिया था, सारा पानी पानी हो रहा था, फिर फाउंटेन बंद करना पड़ा, अब ये कह रहे हैं
अभी कोई बात ठीक है, और पीपी का तो दिखा दो, पीपी में चला ठीक हो गई। अच्छा पीपी हो गई, पीपी में चला ठीक हो गई, पहले से बहुत बेहतर है। तो इनके साथ रहने की खेलती रहती है, बल्कि रौनक लगी हुई, वो लग भी इसके साथ लगे रहते हैं। तो बाकी उन्हें वहाँ बंद कर दिया, और ये दो केज खाली हो गया है हमारे पास। इसमें एक को कीकी को बंद कर देते हैं, बाकी एक खाली रहता है। तो इस तरह मिल गए हमें केज ना। चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।